गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा जी ट्रैवल ब्लॉग्स। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आप शायद सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ आया हूँ, मेरे पीछे ये गिट्टी और बालू ये सब क्या दिखाई दे रहा है, अभी मैं कहाँ पर आया हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ सासाराम का एकमात्र वाटर पार्क, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चालू है और 10 जून 2023 को इसकी ओपनिंग होने वाली है। ये रहा उस वाटर पार्क का गेट और ये आप देख सकते हैं बाहर का कुछ एरिया ऐसा है। बाकी मैं इसका लोकेशन वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चलते हैं अभी हम इस वाटर पार्क के अंदर, जो कि अभी बनने वाला है और बन रहा है और जल्द ही मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर ये खुल जाएगा और ये हमारे सासाराम का सबसे पहला वाटर पार्क होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेन गेट पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये रहा कुछ इसका अंदर का आउटलुक है और इधर भी कुछ मतलब क्या है वो तो पूरा घूमने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो हम भी यहाँ पर पहली बार ही आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे हट बनाए गए हैं, इसका क्या यूज़ है वो भी अभी थोड़ी देर में हम पता करेंगे। तो समझ रहे हो ना। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाटर पार्क के अंदर और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ सीढ़ी है और इस तरह से ये शायद चेंज रूम यहाँ का होने वाला है और यहाँ पर वॉश बेसिन बनाया गया है जो कि हाथ धोने के काम आएगा। और बाकी क्या कहाँ पर कैसे बनेगा ये तो हमें अभी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये अभी अंडर प्रोसेसिंग है और 10 जून को जब इसकी ओपनिंग होगी तो हम तो यहाँ आने ही वाले हैं और आप लोग को यहाँ के वीडियो देने ही वाले हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ इस वाटर पार्क का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, जो कि देखिए ये कितना सुंदर ये वाटर पार्क अभी बन रहा है और बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं मैं नज़दीक से जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सासाराम का ये जो वाटर पार्क बनने वाला है सचमुच में सासाराम के लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट का ये प्लेस बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये राउंड सर्किल टाइप बना हुआ है, जब आप इसमें वॉक करेंगे तो आपको चारों तरफ से पानी देखने को मिलेगा, आपके ऊपर पानी आएगा और ये काफ़ी सुंदर लगेगा। बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर स्लाइड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए छोटे स्लाइड्स लगाए जा रहे हैं, बाकी कुछ स्लाइड्स का काम अभी पेंडिंग में है। बाकी आप देख सकते हैं कि वहाँ ऊपर में ये जो बाल्टी लगी हुई है ये काफ़ी मज़ेदार होगा जब वहाँ से पानी नीचे गिरेगा और यहाँ पर जो है लोगों के सर पे आएगा, मतलब एक साथ उतना पानी काफ़ी मज़ेदार होगा। और यहाँ पर ये देखिए पैक पूरी तरह से राउंड में घुमा हुआ, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये राउंड इस तरह का ये स्लाइड है और ये भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और भी यहाँ पर क्या चीज़ें हैं मैं नज़दीक से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पीछे का आप जो ये देख रहे हैं ये इलाका, ये स्विमिंग पूल टाइप कुछ बनने वाला है, वहाँ से उतरने के बाद ये पूरा स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा और इसी के आगे यहाँ पर ये सारे राइड्स रहेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कैंपस पूरा बनाया गया है। मज़ा नहीं आ रहा है। इसके बाद दो चीज़ हमें और ख़ास दिख रहा है, पहला है वो और दूसरा है वो। चलते हैं उसके पास भी और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बन रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे है यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ जो कि कहा जा सकता है, वो है यहाँ का रेन डांस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेन डांस का भी बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पर सारे राइड्स को एंजॉय करने के बाद यहाँ पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं सासाराम में भोजपुरी का कितना बड़ा क्रेज़ है और यहाँ पर रेन डांस को हम लोग इंजॉय करेंगे। अभी इसका भी काम कंस्ट्रक्शन में है। अब ये रेन डांस कैसा होने वाला है, कैसा बनेगा वो तो 10 जून को ही हमें पता चलेगा। रेन डांस को तो हमने देख लिया और अब चलते हैं वहाँ पर उस चीज़ को देखने के लिए, वो क्या है। दोस्तों, आपने यहाँ के राइड्स देख लिए और वहाँ पर रेन डांस को भी देख लिया और अभी मेरे सामने होने वाला है यहाँ पर का मज़ेदार इंटरटेनमेंट और एडवेंचर से भरा हुआ वेव पूल। स्वागत तो करो हमारा। वहाँ पर उस राइड्स और यहाँ इस रेन डांस को देखने के बाद यहाँ पर वेव पूल को भी बनाया गया है। ये वेव पूल सचमुच में काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ होगा और आई थिंक जो भी लोग वाटर पार्क जाना पसंद करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद यही वेव पूल ही आता होगा। तो यहाँ पर वेव पूल ही बनाया गया है और बहुत ही मस्त ये होने वाला है गाइस। 10 जून का इंतज़ार करना है, 10 जून को ये ओपनिंग हो जाएगा
10 जून को हमारे सासाराम में ये वाटर पार्क खुल जाएगा। बाकी यहाँ का और मैं कैंपस आपको दिखाता हूँ, बाकी आपने देख ही लिया है ये इस वेव पुल को। वेव पुल यहाँ पर बना है, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा देखने को लग रही है और ये सचमुच में काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर कैफेटेरिया का भी अच्छा बंदोबस्त किया गया है। ठीक यहाँ पर इस राइड के साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैफेटेरिया है, यहाँ पर आपको खाने पीने की भी सुविधाएं मिलेगी, ताकि एंजॉय करते हुए आपको अगर भूख भी लगे तो आप हल्का फुल्का चिल हो सकते हैं यहाँ पर। पैसा ही पैसा होगा। बाकी आपने देख ही लिया किस तरह का कैसा ये वाटर पार्क बन रहा है। होप गाइस आपको वाटर पार्क का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ पर जो भी राइड्स बने हैं, जो भी वेव पूल और रेन डांस बने हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े राइड्स भी बनने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे यहाँ के कुछ स्टाफ से बात करने की बात पता चला। और कुछ दिनों बाद यहाँ पर जुलाई के एंड तक उम्मीद है कि आपको यहाँ बड़े राइड्स भी देखने को मिले। बाकी यहाँ पर 10 जून को इसकी ओपनिंग हो जाएगी और आप सभी यहाँ पर 10 जून को ज़रूर आएँ और यहाँ के सासाराम के पहले वाटर पार्क का आनंद उठाएँ। तो अगर मैं इस वाटर पार्क के लोकेशन की बात करूँ तो ये वाटर पार्क होने वाला है सासाराम के कंचनपुर गाँव के पास। चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ के आने के रास्ते की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप हमारे सासाराम से आते हैं तो आपको ताराचंडी आना होगा और वहाँ से माउंटेन व्यू रिसोर्ट से थोड़ा सा और आगे आएंगे NH2 हाईवे को क्रॉप पकड़ते हुए तो आपको एक पुरानी जर्जर पानी टंकी मिलेगी। उसी के 10 कदम आगे लेफ्ट साइड में आपको ये रोड मिलेगा, एक कच्चा रास्ता है और उसी रास्ते को पकड़ के आप यहाँ पहुँच जाएंगे इस वाटर पार्क में। इस वाटर पार्क के नाम की बात करूँ तो इस वाटर पार्क का नाम होने वाला है रिमझिम वाटर पार्क। मैं आपको इसका पोस्टर आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ ताकि आप पूरी डिटेल्स इस वाटर पार्क के बारे में ले सकें। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।